हमारे साथ केंद्र सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री एस किशन बघेल मौजूद है। उनके 63वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज निःशुल्क हेलमेट वितरण किया जाएगा। इसी के चलते आज कार्यक्रम के लिए रामबाग चौराहे पर पहुंचे हैं। मंत्री जी, 63वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी खबर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। हिंदी खबर के माध्यम से सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो इस जन्म दिवस पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज योग करने के बाद 63 साल का मैं हो गया हूँ, तो 63 वृक्षों का रोपण हम लोगों ने साझा पार्क में किया, 63 लोगों ने रक्त का दान किया। यहाँ पर ऐसे नासमझ लोग जो हेलमेट नहीं लगाते हैं और हेड इंजरी करके उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे लोगों को निःशुल्क 63 हेलमेट देंगे। फिर नगलापदी में जाकर 63 गरीब महिलाओं को साड़ी देंगे और उसके बाद पुष्ट आश्रम में जाके 63 सूखे सामान की भोजन की किट देंगे। तो ये जो 63 हेलमेट मिलेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में किसी न किसी की जान बचाएंगे। ये 63 हेलमेट, 63 यूनिट जो ब्लड लिया गया है, रक्तदान किया है युवा मोर्चा के साथियों ने, उसमें कई लोगों की जान बचेगी। और 63 पेड़ जब सर्वाइव होंगे तो कहीं ना कहीं वातावरण को ठीक करेंगे। पहले अपनी पत्नी जहाँ से आ रही है, कन्नौज से, भाई आ रहा है बदायूं से, फिरोजाबाद भाई आ रहा है, और ये जब आ रहे हैं, जब सपा और बसपा का गठबंधन था, 80 की 80 सीटें जीतने की अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये शताब्दी का सबसे बड़ी जोक है। तो ये थे हमारे संग एस पी सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अपने जन्मदिन को जनता के बीच में बनाए, ना कि किसी बाजार होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बनाए। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जनता के बीच में ही वे अपने 63वें जन्मदिन को मना रहे हैं और जनता के साथ ही वे अपने जश्न को खुशियों के साथ मनाएंगे। तो वही अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए भी उन्होंने कहा, जो परिवार की टिकटें हार गए और सीटें हार गए, और ऐसे जहाँ जहाँ परिवार के लोग वहाँ खड़े हुए थे वे सीटें भी हार गए, वे ऐसे में ऐसे मुगेरी लाल की हसीन सपने ना देखें। अपने सहयोगी सोहेल के साथ में कपिल अग्रवाल, हिंदी खबर, आगरा।